नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जहां एक तरफ चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पूरा देश जो है खुश है, सभी जगह जो कि जश्न मनाए जा रहे हैं, तो इस जश्न का भागी बनने के लिए बिहार भी कहीं जो कि पीछे नहीं है। बिहार में किस तरीके से आप देख रहे होंगे कि बीजेपी में खुशी की लहर है। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग होने से बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। कहीं इसको लेकर के हवन किया जा रहा है तो जो कार्यकर्ता है वह अपने घर से या कहीं से भी जो है कि उसके जश्न जो है कि मनाए जा रहे हैं, लगातार जो कि पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस बीच जो भाजपा के सक्रिय नेता कृष्णा सिंह कल्लू ने भी इस कुछ अलग अंदाज में जो है कि जश्न मनाया है। उनके अंदर जो है कि काफ़ी खुशी है कि हमारा भारत देश जो है कि विकसित हो रहा है, जो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग है यह विकसित देश का जो है कि शंखनाद है। भारत जो है कि निश्चित रूप से आगे विकसित होता जाएगा, इस तरीके का जो है कि कह करके किस तरीके से कृष्णा सिंह कल्लू ने जश्न मनाया है। आप कृष्णा सिंह का लोग क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ किस तरीके से जश्न मना रहे हैं, आप खुद देख लीजिए और सुन भी लीजिए। आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रमेश सिंह कुशवाहा जी, पूर्व विधायक जयनंदन बाबू, आदरणीय राजकिशोर कुशवाहा जी, बबलू मंडल जी, भाई शिवचंद्र मंडल जी, भरत मंडल जी, रामजी मंडल जी, और आप सब लोगों की ओर से मैं पूज्य राम मंडल के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी के प्रति, जिन्होंने बागपति चौक पर अपने निजी कोष से अमर शहीद रामधन मंडल जी के प्रतिमा को स्थापित करने का काम किया। हम इस मंच पर आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं कि जब वे राष्ट्रीय पार्टी के गठन के बाद बागपति में रामधन मंडल के धरती पर चंदन करने आए थे तो उनके मन में एक जिज्ञासा जगी कि क्यों नहीं सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है सरकार के द्वारा इसका नामकरण अमर शहीद रामधन मंडल के नाम पर रखा जाए। और उन्होंने हम लोगों को निर्देशित किया कि पार्टी इस पर आगे कार्यक्रम तय किया करे, तद अनुसार हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और यहाँ के भी मंडल समाज के कई लोग थे, बिहार के महामहिम राज्यपाल जी को जाकर के एक ज्ञापन सौंपने का काम किया, जिसमें सीतामढ़ी के मेडिकल कॉलेज का नामकरण अमर शहीद रामधन मंडल के नाम पर करने, मथुरापुर में जो प्रतिवर्ष शहीद मेला का आयोजन होता है इसको सरकारी खर्चा पर राज्य सरकार के कोष से करने के साथ ही हम लोगों ने पटना में किसी पार्क का नाम अमर शहीद रामधन मंडल के नाम पर करने और पटना के बड़े चौराहे पर अमर शहीद रामफल मंडल का आदमकद प्रतिमा लगाने का मांग किया है। इसके साथ ही हम लोगों ने तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त को भी ज्ञापन दिया और सीतामढ़ी में अम्बेडकर स्थल पर इन मांगों के संबंध में धरना देने का काम किया। माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के निर्देश पर पूरे बिहार में हमारी पार्टी आज अमर शहीद रामफल मंडल को नमन कर रहा है और उनके आदर्शों को संगम पर चलने के लिए तैयार है। अगला कार्यक्रम भी निर्धारित है जिसकी घोषणा होगा रामफल मंडल अमर रहे, सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का नाम रामफल मंडल के नाम पर करना होगा, सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का नाम रामफल मंडल मेडिकल कॉलेज करना होगा, भारत माता की। इन्हीं सब लोग के साथ आप लोग अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।